नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे निवेदन है चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। घुमारवी के शुभम धीमा ने पांचवें प्रयास में पास की यूपीएससी परीक्षा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग नाहन में ईटीओ के पद पर तैनात शुभम धीमा ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर हिमाचल का मान बढ़ाया है। उन्होंने पांचवें प्रयास में देश की सबसे कठिन परीक्षा पास की है। इससे पहले भी वो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। पहली बार वो मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे और वो 800 में रैंक पर रहे। मूल रूप से जिला बिलासपुर के घुमारवी के रहने वाले शुभम धीमान 27 मई 2019 से राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। इससे पहले वो SBI में PO के पद पर भी सेवाएं दे चुके हैं। इसके अतिरिक्त बता दें कि शुभम के पिता रतनलाल धीमान सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जबकि मां उर्मिला धीमान गृहिणी हैं। उनकी एक बहन क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में एनेस्थीसिया विशेषज्ञ हैं। शुभम ने बताया कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में उन्हें अपने सीनियर और दोस्तों का काफी सहयोग मिला। सरकारी सेवा के दौरान भी वो 5-6 घंटे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए देते रहे। हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। थल सेना में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोरकीपर, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। जिला हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना के युवाओं के लिए यह ऑनलाइन परीक्षा 17 से 26 अप्रैल तक हमीरपुर में आयोजित की गई थी। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल BS भंडारी ने बताया कि इस परीक्षा का परिणाम वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक, फिर गाड़ी में शिमला पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से चंडीगढ़ तक ट्रक और फिर गाड़ी में बैठकर आज सुबह शिमला पहुंचे। राहुल गांधी कुछ दिनों तक राजधानी शिमला से सटे छराबड़ा में प्रियंका गांधी के घर में रहकर कर्नाटक चुनाव की थकान मिटाएंगे। वहीं पिछले कल रात को दिल्ली से ट्रक में सवार हुए राहुल गांधी ने अंबाला के मंजी साहिब गुरुद्वारे में दर्शन किए। यहां स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ कुछ देर बैठकर विभिन्न मसलों पर चर्चा भी की गई। बता दें कि आज तड़के राहुल गांधी शिमला पहुंचे। उनके हिमाचल में प्रवेश करने की सूचना मिलते ही परवाणु से शिमला तक पुलिस अधिकारी और जवान ट्रैफिक बहाल रखने के लिए सड़कों पर मुस्तैद रहे। राहुल का ट्रक में सफर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बीते दिनों सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी एक सप्ताह तक छराबड़ा में ठहरी थी। कर्नाटक की जीत का जश्न भी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने शिमला से ही मनाया था। डिजिटल बाल मेले में KBC फेम अरुणोदय शर्मा ने भी करवाया रजिस्ट्रेशन, मकसद भी बताया। डिजिटल बाल मेला की पहल, बच्चों की सरकार कैसी हो, मैं कौन बनेगा करोड़पति का हिस्सा रहे 11 वर्षीय अरुणोदय शर्मा ने अपनी एंट्री भेजी है। छठी कक्षा में पढ़ने वाले अरुणोदय ने अपनी एंट्री में बताया कि वो बच्चों की सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनने पर विशेष बच्चों के लिए सभी सुविधाओं से लैस आश्रम खुलवाएंगे। वहीं पैनल में देश के दिग्गज नेता, शिक्षाविद, कलाकार एवं अन्य क्षेत्रों के महारथी शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र के रजिस्ट्रेशन के मात्र 2 दिन शेष हैं। इसके बाद सत्र में भाग लेने वाले बच्चों के नामों की सूची आना शुरू हो जाएगी। बता दें कि इस विशेष बाल सत्र में देश भर के 8 से लेकर 17 वर्ष के बच्चे अपनी एंट्री डिजिटल बाल मेला की वेबसाइट पर 25 मई तक जमा कर सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र का आयोजन बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को किया जाएगा। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल के कई भागों में भारी बारिश और ओलावृष्टि, अंधड़ भी चला। मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बीच प्रदेश के कई भागों में बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने की सूचना है। कांगड़ा जिले के लंबागांव, शाहपुर, गग्गल, पालमपुर, थुरल, पंचरुखी व अन्य भागों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। इस दौरान अंधड़ भी चला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई भागों में 23 व 24 मई को भारी बारिश, ओलावृष्टि व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। 25, 26 व 27 मई के लिए अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिर सकते हैं। 28 मई तक प्रदेश के कई भागों में मौसम बिगड़ा रहेगा। विभाग के अलर्ट के बीच आज सुबह शिमला में मौसम साफ रहा, लेकिन दोपहर से बादल छाए रहे। पुरानी रंजिश में छोटे भाई ने दराड़ से किया बड़े पर हमला, भाभी को भी नहीं बख्शा।
ऊना जिला में पुलिस थाना हरोली के तहत चंदपुर में दो सगे भाइयों के बीच पुरानी रंजिश के चलते मारपीट हो गई। छोटे भाई ने बड़े भाई पर दराट से हमला कर दिया। जब बीच बचाव करने भाभी आई तो उस पर वार कर दिए। इस हमले में पति पत्नी जख्मी है। पुलिस ने घायल भाई की शिकायत पर एक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस को दी शिकायत में विजय कुमार निवासी चंदपुर ने बताया कि गत रात मेरा छोटा भाई मोती सिंह मेरे साथ बैठा था कि पुरानी बातों को लेकर गाली गलौज करने लग पड़ा। थोड़ी देर बाद हाथ में दराट लेकर आया और उसने वार करने शुरू कर दिए। चिल्लाने की आवाज सुनकर पत्नी मौके पर पहुंची। वहीं बीच बचाव करने पर भाई ने उस पर भी दराट से हमला कर दिया। मारपीट में विजय कुमार व उसकी पत्नी चोटिल हुई हैं। घायलों को 108 की मदद से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में लाया गया। उधर मामले की पुष्टि करते हुए DSP हरोली मोहन रावत ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर मोती सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री बोले, CM ऑफिस के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों वाले बेनामी पत्र की हो जांच। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोपों का बेनामी पत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि CM कार्यालय के ही एक कर्मचारी ने यह पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है, जिसमें करोड़ों रुपए लेन देन के आरोप लगाए गए हैं और इसकी जांच केंद्रीय जांच एजेंसियों से करवाने की मांग की है। वहीं इसको लेकर विपक्ष भी मुखर हो गया है और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करवाने की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से मुख्यमंत्री से इस मामले में छानबीन कर हकीकत प्रदेश की जनता के समक्ष रखने की मांग की है। CM सुक्खू बोले, एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विस्थापितों की सरकार करेगी व्यवस्था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वो कांगड़ा में पर्यटन को विकसित करने आए हैं। 3,000 करोड़ रुपए कांगड़ा को उपलब्ध करवाए गए हैं। कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण पर कहा कि जो विस्थापित होंगे उनके लिए सरकार व्यवस्था करेगी। हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन विकास को हम रुकने नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त कहा कि हमारी व्यवस्था 4 साल में पटरी पर आएगी और आने वाले 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध और अमीर राज्य बनेगा। जिला कांगड़ा को मंत्रिमंडल में जगह देने के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री भी कांगड़ा के ही हैं। इससे पहले वो आज बीमार से गग्गल हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां उनका स्वागत धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने किया। मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी कांगड़ा दौरे पर आए हैं। क्लास 3 भर्तियों से हटेगा OMR सिस्टम। नई भर्ती एजेंसी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी। हिमाचल सरकार में तृतीय श्रेणी यानी क्लास 3 की भर्ती परीक्षाओं के लिए अब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन यानी OMR सिस्टम खत्म हो सकता है। पूर्व IAS अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी OMR सिस्टम के पक्ष में नहीं है। इस कमेटी ने आज अपनी दूसरी बैठक में OMR सिस्टम की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT सिस्टम को लागू करने पर चर्चा की है। कमेटी की रिपोर्ट में भी इस सिफारिश को जोड़ा जाएगा। इस कमेटी की दूसरी बैठक सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय में आज हुई। इसमें 3 अन्य मेंबर भी शामिल हुए। इनमें पूर्व IFS अधिकारी अजय कुमार, इंडियन कोस्ट गार्ड के पूर्व अफसर देवराज शर्मा के अलावा निदेशक IT मुकेश रैप्सवाल भी शामिल थे। हिमाचल में तय मार्जिन से ज्यादा दाम पर खाद्यान्न नहीं बेच सकेंगे कारोबारी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के कारोबारी अब तय मार्जिन से ज़्यादा दाम पर अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा तय मात्रा से ज़्यादा अनाज या खाद्यान्न का स्टॉक खरीदने या रखने के लिए भी लाइसेंस बनवाना अनिवार्य होगा। कांग्रेस सरकार ने हिमाचल में फिर से मार्जिन प्रॉफिट एंड होल्डिंग एक्ट 1977 लागू कर दिया है। कारोबारियों के अनुसार इस एक्ट को लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं पिछली भाजपा सरकार ने कारोबारी संगठनों की मांग पर साल 2018 में इस एक्ट को खत्म कर दिया था। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।